फाइनली मैं हूँ विनर्स में और यहाँ पे इतना अमेजिंग कलेक्शन आया हुआ है जैकेट्स का, मैं आपको दिखाती हूँ सारा एंड सुपर अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज ये देखिए, एक तो मैं इतनी सारी जैकेट्स देख के वैसे एक्साइटेड हो जाती हूँ। ये काफ़ी अच्छी जैकेट है, लॉन्ग जैकेट है और ये अराउंड $59 की थी। उसके बाद ये सारी यू नो हैवी जैकेट्स हैं जो आप ऐसे प्रॉपर बाहर यू नो आउटर वेयर में पहनते हो, तो इसमें बिल्कुल भी आपको ठंड नहीं लगती है। टेम्परेचर मतलब होता है कि हाँ ये -15 degrees तक की है और इस तरीके से। ये वाली हाफ जैकेट है तो ये जैसे थोड़ी कम ठंड में आप पहन सकते हो, जैसे फॉल विंटर वेदर में। उसके बाद ये प्रॉपर एक विंटर जैकेट है, इसका देखो नेक भी पूरा यू नो कवर्ड है एकदम वार्म। ये कोट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये माइकल कॉर्स की भी आपको यहाँ पे जैकेट मिल जाएगी। देखो ये बेसिकली क्या होता है, माइकल कॉर्स का थोड़ा सा आउटडेटेड जैकेट होगा बट स्टिल इट्स गुड। एंड वैसे देखो ये है $295 की और विनर्स का प्राइस मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ पे आपको मिलेगी सिर्फ $129 की। उसके बाद चलिए देखते हैं स्वेटर्स। आई लव स्वेटर्स, मुझे विंटर वेदर बहुत पसंद है और ये इतना प्यारा कलर लगा मुझे। ये थोड़ा थोड़ा अनियन कलर है और ये प्रॉपर मुझे सरोजी नगर वाले स्वेटर की फील दे रहा है, बट ये $129 का है तो मुझे ये महंगा लगा, क्योंकि इतने में आप एक जैकेट में इन्वेस्ट कर सकते हो और स्वेटर्स यहाँ पे $50 तक के मिल जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये नहीं लिया। और पर ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा बट वर्थ इट नहीं लगा। उसके बाद देखो स्वेटर्स की कलेक्शन सारी ही बहुत अच्छी है, मतलब मुझे ऐसा लगा मैं सारी ही ट्राई कर लूँ और लिटरली आप देखोगे मैं अराउंड 12 स्वेटर्स लेके गई थी ट्राई करने। अब मैं ट्राई रूम में हूँ, मुझे जैकेट कोई बहुत अच्छी नहीं लगी। एक्चुअली क्या होता है ना, जब जैकेट्स आती हैं एकदम बहुत जल्दी यहाँ से लोग ले लेते हैं, तो थर्सडे को नया सामान आता है विनर्स में। हमेशा ट्राई करो कि थर्सडे को आ जाऊँ फटाफट, तो मैं थर्सडे को ट्राई करूँगी कि ज़रूर आऊँ विनर्स पे जैकेट्स के लिए। क्योंकि जैकेट्स में क्या होता है, आपको एक मैं दो जैकेट्स में इन्वेस्ट करती हूँ एवरी सीज़न, तो वो पूरा आपको विंटर में निकालना होता है, तो मुझे होता है कि मैं अच्छे से देख सोच समझ के लूँ। तो मैंने स्वेटर्स लिए हैं क्योंकि वर्कवेयर में मैं स्वेटर्स काफ़ी पहनती हूँ ऑफकोर्स विंटर्स में। सो ये देखो ये 10 स्वेटर्स हैं, अभी काफ़ी बाहर रखे हुए हैं, तो ये ट्राई कर करके मैं आपको दिखाऊँ। गाइस ये वाला कलर जो है ना मेरा फेवरेट है और ये मुझे इतना प्यारा लगा, इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है, बहुत एलिगेंट बहुत प्यारा सा लगा मुझे वर्कवेयर के लिए। और इसको जब ऐसे यू नो इसके साथ एकदम पीची पीची मेकअप करेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। उसके बाद ये ग्रे कलर का एक स्वेटर है, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, इसके जो यू नो स्ट्रैप्स हैं वो भी थोड़े अजीब हैं, फिटिंग भी अच्छी नहीं आई। ये वाला भी थोड़ा ओवर साइज थी मुझे लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा। और ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन अगर मम्मी को दिखाऊंगी तो बोलेगी देखो बाजू छोटी है, स्लीव्स, तो बस स्लीव्स की वजह से मैंने नहीं लिया ये। और अदरवाइज़ काफ़ी मुझे डिज़ाइन मतलब इसका अच्छा लगा, मेरे ऊपर भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा। दिस वॉज रियली नाइस, पता नहीं, और यू नो काफ़ी वर्कवेयर टाइप है और अच्छा लगा काफ़ी। और ये सारे स्वेटर्स अराउंड $34 के हैं, यस सारे $34 के हैं। और उसके बाद ये देखिए ये कलर अगेन मुझे अच्छा लगा, बट बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर्स हैं तो मुझे ये नहीं मतलब इतना समझ में आया और इसकी फिटिंग भी मुझे अच्छी नहीं लगी। अगेन ये वाला भी अच्छा है, ये इसका नेक देखो थोड़ा सा डिफरेंट है और अच्छा है, ये काफ़ी डिफरेंट है, पता नहीं, देखती हूँ मैं इसको लूँगी कि नहीं बाकियों से कंपेयर करके। और ये भी अराउंड $34 का ही है वर्कवेयर में, इसको यू कैन ड्रेस इट अप एंड ड्रेस इट डाउन एज़ वेल, तो पार्टी वगैरह में भी पहन सकते हो थोड़ा हैवी मेकअप करके। इसका स्टफ़ लेकिन विनर्स का बहुत अच्छा होता है, लाइक इट्स रियली नाइस, इसकी क्वालिटी मैंने जैसे आपको दिखाई थी। ये वाला भी मुझे अच्छा लगा, ये मुझे थोड़ा थोड़ा इंडियन यू नो इंडियन डिज़ाइन लगा और अच्छा है, बट इसका नेक मुझे ऐसा लगा काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई नेक है, बहुत बड़ा बड़ा सा, तो पता नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ये वाला मुझे इसका कलर अच्छा लगा, गाइस आई डोंट नो आप ऑब्वियसली इसकी फ़िट नहीं फील कर सकते, इसका फिट इतना अमेजिंग है, ऐसा लग रहा था ये पूरा मेरी बॉडी पे मतलब एज इफ मेरी बॉडी टाइप के लिए ही बना है। एंड इसकी भी क्वालिटी देखो गाइस, मैं इसको पास से आपको दिखाऊंगी, इतनी फाइन क्वालिटी है इसकी, मतलब ये मुझे ऐसा लगा कि आई कांट लीव दिस।
और गाइस देखो यहाँ पे ना जो बच जाते हैं कपड़े जो नहीं लेने, उनको ऐसे प्रॉपरली हैंगर में लगा के देना होता है आपको। तो मैंने ले लिए हैं वो दो स्वेटर्स और एक ऐसी मैंने कुकी ली है। सो आई विल शो यू व्हेन आई विल स्टाइल दोज स्वेटर्स, आई डेफिनेटली शो यू हियर। एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक टू वर्क। कॉलेज जल्दी आना, थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि फिर मैं निकल जाती हूँ शॉपिंग करने, क्योंकि जस्ट मेरे कॉलेज के सामने है वॉलमार्ट और वेनस। तो अब मैं आ गई कॉलेज। गाइस अब मैं थोड़ा सा स्नैक खा के अपनी क्लासेस में जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कीजिए लाइक शेयर और कमेंट, और कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।